कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके समक्ष व्यंजन संधि के प्रकार लेके आई हूँ। देखिए, नंबर एक सचुत्तु संधि, इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। षष्टुत्तु संधि सष्टु नास्टु, इसका सूत्र है। जसत्तु संधि का जला जस जसी है। और चतुर संधि का सूत्र है खारी चय। अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वार मोनुस्वार। अब देखिए परिभाषा या पहचान, इसमें जो तय वर्ग है, तय वर्ग हम क्या है, जैसे इसमें देखिएगा यहाँ पे ये तय वर्ग के, ये तय वर्ग है, ये तय वर्ग कहलाता है। ये जो वर्ण तय के आगे चार वर्ण आते हैं, ये तय वर्ग के कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ग है 1 2 3 4 5, ये कै वर्ग, ये चय वर्ग, ये टय वर्ग, ये तय वर्ग और ये पै वर्ग। कै वाले का वर्ग, चय वाले चय वर्ग, तय वाले तय वर्ग, तय वाले तय वर्ग और पै वाले पै वर्ग। तो इस तरह से ये तय वर्ग जो है चय में बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है, तय आधे चय में बदल जाता है और शय, छोटा शय अगर आ जाए तो बड़े शय में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे सत्य प्लस चित, तो तय किस में बदल रहा है, चय में, या आधा चय इसमें बदल रहा है। ऐसे ही सच्चरित्रम में देखिए, सत प्लस चरित्रम सच्चरित्रम। अब निश्चलम में देखिए, बड़ा शय बन गया, निश्चलम हो गया, निश्चय में भी ऐसे ही निश्चय बन गया। अब आगे देखिए, अगली संधि है षष्टुत्व संधि। इसमें षष्टुत्व संधि में इसमें तय बराबर तय होता है, यानी तय वर्ग का क्या बन जाता है, तय, तय वर्ग, और शय का पेचीदा शय बन जाता है। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे रामस टिकते, तो रामस टिकते का शय का क्या बन गया, ये वर्ग, इस ये शय बन गया, यहाँ पे दिखा रखा है। और तय का क्या बन गया, तय, कैसे, पेस्ता, तय का क्या बन गया, टा, पेस्टा। ऐसे तत् टीका, तो इसमें तय का क्या बन गया, तय, तो तत् टीका हो गया। ये होगी आपकी षष्टुत्व संधि। अब देखिए ये है थर्ड जसत्व संधि। जसत्व संधि में ये अंतस्थ वर्ण होते हैं जो गले से बोले जाते हैं, जैसे ये रे ले, मतलब गले से ध्वनि निकल रही है, शय से से है, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ये अणे अणे ने में, ये नासिका वर्ण कहलाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिका वर्ण कहलाते हैं। और दूसरा इसमें डे एणे ने में, ये वाले नासिका वर्ण होते हैं बाद में, बाद की लाइन के। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, अगर अंतस्थ कोई गले से बोलने जाने वाला वर्ण यार लव, ऐसे करके हम याद कर लेते हैं इसे, यार लव, सस सह यानी ऊष्म वर्ण, और नासिका से बोलने वाले व्यंजन के बाद अगर कोई अन्य व्यंजन आ जाए तो वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अब उदाहरण देखिए थर्ड, ये हमारा उदाहरण, जैसे घ आ गया, तो घ किस में बदल जाएगा, ग में। पहला उदाहरण देखते हैं हम, घ कैसे ग में बदल रहा है। जैसे दोग घा, दोग धा, तो घ किस में बदल रहा है, ग में, ये घ ग में बदल गया इसमें तीसरे वर्ण में, ये तीसरा वर्ण है ना। ऐसे ही योध, योध प्लस धा, तो ध किस में बदल रहा है, ध का अगला वर्ण क्या, तीसरा, द, तो ये योधा इसमें बदल गया। ऐसे ही लब प्लस ध, तो भय बै में बदल गया, लब्ध हो गया। ऐसे ही सिद्ध प्लस धी बराबर द, जो ये ध जो है किस में बदल गया, द में, ध जो है किस में बदल गया, द में, तो यहाँ पे सिद्धि हो गया ये। तो ये हमारी जसत्व संधि हो गई। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ संधि, इसका सूत्र है खारिच। इसमें यह है यानी अंतस्थ वर्ण, नासिका वर्ण के अलावा ये जो 1 2 3 4 यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, इनमें से 1 2 3 4 वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण आ जाए, उष्म वर्ण आ जाए, सॉरी नीचे अंत, ये अंतस्थ यानी गले से बोले जाने वाले नासिका वर्ण आ जाए, या 1 2 3 4 या ऊष्म वर्ण आ जाए, यानी कोई भी आ जाए, तो झल झल की जगह क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। जो झल वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, चर में, चय वाले में। देखिए कैसे,
जैसे ये है संपद प्लस काल, तो संपद प्लस काल इसमें देखिए कहाँ कैसे बदल रहा है, ये फोर्थ संपद दै, दै किस में बदल रहा है तीसरे में, तय में, तो एक क्या आ जाएगा संपत काल हो जाएगा इसका, देख लीजिए उदाहरण संपत काल हो रहा है। ऐसे ही कुकुब प्रेस प्रांत, तो भय किस में बदल रहा है, ये भय जो है पै में बदल जाएगा, ये भय किस में बदल जाएगा पै में, तो इसका क्या हो जाएगा कुकुब प्रांत। अब उत्साह का देखिए, ये दै किस में बदल रहा है उत्साह में, दै तय में, तो क्या आ गया उत्साह, आधा तय बन गया उत्साह का। अब ऐसे ही अगली संधि है मोनुस्वार संधि बोलते हैं, इसका अनुस्वार संधि बोलते हैं, सूत्र मोनुस्वार है, इसमें मैं की अंकी बिंदी आती है, जैसे किसी भी व्यंजन के आने पर अगर मैं आ जाता है तो मैं प्लस उषम वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए तो मैं की जगह क्या हो जाता है अंकी बिंदी हो जाती है। उदाहरण देखिए ग्रहम प्लस गच्छति बराबर ग्रह गच्छति, ग्रहम गच्छति, हरिम प्लस वंदे प्लस हरिम हरिम वंदे, अंकी बिंदी लग गई है ये। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये संधि समझ आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।